मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वायरल वीडियो में कुछ असामाजिक तत्व ने पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के आतंकवाद पोस्टर पर बम लगाकर सर उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो वही वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, समस्या हुई खत्म, आप बजाओ ताली। इतना ही नहीं, इसके बाद इस कृत्य का पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बिहार में आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ असामाजिक तत्व ने पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के आतंकवाद पोस्टर पर बम लगाकर सर उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बजाओ ताली, इतना ही, इसके बाद इस कृत्य का पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद नारायण समर्थकों में भारी नाराजगी जताई और सभी समर्थक मेहर के बंधा बैरियर में एकत्रित हो गए और मेहर थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। समर्थकों का कहना है कि इस वीडियो के जरिए असामाजिक तत्वों द्वारा शहर में दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मेहर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। मेहर से दीपक सोनी की ऐसा है कि आज सुबह सोशल मीडिया में विधायक जी का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें बंदा वेरियल के पास काफ़ी ग्रुपों में मीडिया के द्वारा, अन्य पर्सनल लोगों के द्वारा ये जो वीडियो चलाया गया, उसमें विधायक जी के जो पुतले के ऊपर बम सर में लगा के फोड़ा गया। इससे विधायक जी के सम्मान और हमारे चार बार के रहे विधायक माननीय श्री नारायण त्रिपाठी जी का अपमान हम मैहर की जनता जनार्दन स्वीकार नहीं करती है, तथा एक ये बड़ी घटना को भी दर्शाता है कि अगर आज कमजोरी इनको छोड़ दिया गया, कानूनी व्यवस्था अगर कमज़ोर हुई तो कल ये बड़ी घटना के रूप में आ सकता है। तो आज हम उसी चीज़ का लेके यहाँ पे आवेदन दिए हैं कि कृपया, ये शुरुआत है, कृपया अगर शुरू को नहीं रोका गया तो अभी काफ़ी समय चलना है, चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत रहती है, लेकिन लोगों को ऐसी गलत चीज़ों की धारणा और उनको ताकत नहीं मिलनी चाहिए, कानूनी व्यवस्था मजबूत हो। और इसके कारण हम अथक प्रयास कर रहे हैं, पुलिस विभाग के ऊपर भरोसा जता रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ेंगे तथा कठोर से कठोर कार्रवाई देकर एक उदाहरण साबित करेंगे कि आप किसी भी समाज में किसी भी हमारे सम्मानित व्यक्तियों का ऐसे आप उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। क्या नाम? लोगों पे शक है आपको? शक हमें किसी के ऊपर नहीं है। एक सोशल मीडिया में चला गया, ये पुलिस विभाग अपना करेगी, जानकारी लेगी, लेकिन जहाँ जहाँ से वायरल होती है, और निवेदन करूँगा वायरल करने वालों को भी कि कृपया सोच समझ के और एक गरिमा सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए कृपया आप ऐसी वीडियो का वायरल करें तथा उसका एक बार पुष्टि कर लें कि क्या सत्यता है उसके पीछे। मेरा नाम विष्णु पांडे है। आज मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, उसको लेकर आप लोग क्या करवाई? मैहर में देवी जी रोड में बंदा बैरियर के पास मैहर के चार चार बार के विधायक रहे सम्मानित श्री नारायण त्रिपाठी जी के एक आदम कट कटआउट में एक शक्तिशाली बम बांधकर उसको बीच सड़क पर फोड़कर उसका एक वीडियो बनाया गया, जिससे सीधे सीधे उनको जान से मारने की धमकी अज्ञात लोगों के द्वारा दी गई है और आम जनता के आवागमन के रास्ते में एक शक्तिशाली बम विस्फोट का प्रयोग करके लोगों की जान माल को हानि पहुंचाने का भी प्रयास किया गया है। इस तरह चुनाव होते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, लोग हारते हैं जीतते हैं, लेकिन इस तरह की जो हरकतें विरोधियों के द्वारा, अज्ञात लोगों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा की जा रही हैं, इनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसी घटनाओं से मैहर जैसे शांति प्रिय नगर की शांति व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ एक प्रकार से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। इन ये सब घटनाएँ निंदनीय हैं और हमने पुलिस के पास आकर प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आज सुबह एक वायरल किया था पोस्ट ने, क्या था पूरा मामला और किसने कहा था वायरल करने? पूरा मामला ये था कि करीबन एक बजे करीब मेरे पास वीडियो आई और वीडियो के नीचे लिखा गया साहब कि इस फर्जी नंबर से इसको डाला जाए। तो वीडियो भेजने वाले का नाम आनंद गौतम है, उसमें साफ लिखा हुआ है, दिखाई भी दे रहा है, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, उसने लिख के भेजा और बोला कि आप जो है इसको डाल। आनंद गौतम कौन है? आनंद गौतम यही देवी जी भी दुकान है उसकी, रोड पे पास वही है। और
और कुछ बोला था उसको? नहीं बस और कुछ नहीं, बस यही वीडियो थी। क्या कहती थी वीडियो वायरल करने का? कुछ नहीं, यही बोला कि आप वीडियो वायरल कर दो, बस हो गया, कुछ कहा नहीं, तो बस ये लिख के भेजा और बोल के भेजा।